दोस्तों वीडियो में आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी औरत की स्टोरी जो कि अपने पति को छोड़कर बाकी सभी मर्दों के साथ घपाघप करती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये औरत आगे चल के इस मूवी में क्या भसड़ मचाती है, तो ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पर मेलिंडा और विक नाम के एक कपल को देखते हैं। इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। तो ये लोग हम देखते हैं एक पार्टी में जा रहे होते हैं, तो उस पार्टी में जाने से पहले ये लोग एक बेबी सीटर को अपॉइंट करते हैं जो कि इनकी बेटी ट्रिक्सी थी उसका ख्याल रखेगी जब ये लोग पार्टी में जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि जो मेलिंडा और विक हैं वो तो चले जाते हैं अपनी पार्टी में, यहाँ पर ट्रिक्सी बेबी सीटर के साथ घर पे रहती है। हम लोग देखते हैं पार्टी में मेलिंडा एक लड़के के साथ वहाँ पर फ्लर्ट कर रही होती है और उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली वो उसे किस भी कर देती है। और यहाँ पर जो विक होता है वो यहाँ पर विंडो से उन दोनों को देख रहा था और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो यहाँ से इन दोनों को इग्नोर करके चला जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेलिंडा जो है वो यहाँ पर पियानो बजा रही है और उसे पियानो देखकर विक भी बहुत खुश है, पर वो उसे ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों विक इसे देखकर खुश हो रहा होता है। अब यहाँ पर विक को हम देखते हैं मेलिंडा के उसी फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम जुएल होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मार्टिन नाम के लड़के को जानते हो जो पिछले महीने जिसकी डेथ हो गई थी। तो जुएल को कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो विक उससे कहता है कि उसे मैंने ही मारा है क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह मेरी बीवी के पास आ रहा था, इनकी नजदीक आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुएल होता है वो विक की इस बात को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पार्टी से निकल जाता है। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि विक और मेलिंडा यहाँ पर बाहर मिलते हैं और मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुमने जुएल को देखा, क्योंकि मैंने आखिरी बार उसे तुम्हारे साथ देखा था और वो पार्टी से पता नहीं क्यों निकल गया। तो यहाँ पर जो विक होता है वो मेलिंडा से कहता है कि वो पता नहीं क्यों निकल गया, शायद वो थोड़ा अपसेट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेलिंडा और विक अपने घर पे आ जाते हैं और यहाँ में पता पड़ता है कि मेलिंडा जो है वो इतनी बेशरम है कि अपने पति और उसकी बेबी सीटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार के नंगी खड़ी हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक बने रहना। यहाँ पर हम देखते हैं विक की एक हॉबी होती है एक स्नेल्स पालना, तो हम यहाँ पर ये पता पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक जो होता है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जहां पर स्कूल छोड़ने के बाद उसे यहां पर अपनी बेटी की टीचर मिलती है जो कि विक से पूछती है क्या तुमने मार्टिन को सच में मारा है, क्योंकि ये बात जोल ने पूरी कंट्री में फैला दी है। यहां पर विक उससे कहता है कि ये सब बातें झूठ है, मैंने उससे सिर्फ मजाक ही करा था और वो पागल तो इस बात को सीरियसली ही ले गया। ऐसा सुनने के बाद दोस्तों विक की बेटी की टीचर भी उसे कहती है कि तुम अपना ध्यान रखो और ऐसे पागल लोगों से दूर रहो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं विक को जो कि अपने दो फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और उसे लेट नाइट के बारे में जो भी उसके साथ हुआ था वो बता रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि विक घर आता है और मेलिंडा उस पर चिल्ला पड़ती है, उसे पीटने लगती है क्योंकि उसे पता पड़ा था कि उसने मार्टिन को मारा था, क्योंकि जो जुएल था उसने सारी बात फैला दी थी। अब यहाँ पर जो मेलिंडा होती है वो विक से कहते हैं कि तुम्हें जुएल को हमारे साथ डिनर पे बुलाना होगा। तो जुएल जब डिनर पे आता है मेलिंडा विक से कहती है कि तुम्हें जुएल से माफी मांगनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उससे माफी मांग लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेलिंडा होती है वो विक को तो भेज देती है अपनी बेटी के पास और वो खुद यहाँ पर जुएल के साथ घपाघप कर रही होती है एक कमरे में, जिनको ऐसा करते हुए और किस करते हुए यहाँ पर विक देख लेता है, पर विक ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं विक रसोई में जाके एक प्लेट गिरा देता है जिससे कि मेलिंडा वहाँ पे आ सके और उसका ध्यान बढ़ सके। मेलिंडा रसोई में आती है और विक से कहते हैं कि जाओ अब तुम वहाँ पर सॉरी मांग के आओ जुएल से। अब यहाँ पर विक जाता है जुएल के पास सॉरी मांगने के लिए, पर वो कहाँ उससे सॉरी मांगने वाला था, वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ओला बुक कर दी है और यहाँ पर अब तुम्हें जाना होगा मेरे घर से निकल के, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा भी मार्टिन जैसा हाल करूंगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो विक होता है और मेलिंडा वो यहाँ पर एक पार्टी में आती है जहाँ पर इनकी मुलाकात बेन से होती है जो कि मेलिंडा का ही एक स्टेप डैड था और वो एक डिटेक्टिव भी था। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन होता है कि वो लोग क्या काम करते हैं। तो विक बताता है कि मैं एक ड्रोन बनाता हूँ और ड्रोन के पार्ट्स भी बेचता हूँ। यहाँ पर जो अंकल बैन होता है वो बताता है कि मैं एक कंपनी में डिटेक्टिव का काम करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विक यहाँ पर मेलिंडा को जलाने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है ताकि वो जल सके, पर मेलिंडा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग वापस आ जाते हैं अपनी कार में घर पे। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये लोग यहाँ पर बैठे थे डिनर कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक बात पता पड़ती है कि मेलिंडा ने एक और आदमी के साथ चक्कर चला लिया है जो कि उसे पियानो सिखाता था। मेलिंडा उसे घर में बुला लेती पियानो सिखाने के लिए, पर यहाँ पर विक जो था वो एक दिन सो रहा था रात को, पर उसकी आंखें खुलती है ताकि उस ये देख सके कि मेलिंडा क्या कर रही है। विक यहाँ पर खड़ा होता है मेलिंडा को सीढ़ी ऊपर बैठा हुआ देखता है जो कि बहुत ही अपसेट नजर आ रही थी। विक दोस्तों उसके पास जाता है पर मेलिंडा उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसके कारण विक को ये पता पड़ जाता है कि लेट नाइट को इसने और इसके पियानो टीचर ने आपस में घपाघप किया है।
अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग एक नया सीन देखते हैं जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक अपनी फैमिली पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो विक है वो यहाँ पर एक आदमी से बहुत जल रहा होता है जो कि इसके यहाँ बीवी के पास बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था और वो पूल में था। ये दोनों पूल में बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे जिनको देख कर विक की फटके चार हो रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग तो पूल से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है, पर विक यहाँ पर उस आदमी को जो कि उसकी वाइफ से चिपक रहा था उसको पूल में जाकर उसके अंदर ही मार देता है। और किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं होती कि उसको विक ने ही मारा था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये बात पूरे घर में पता पड़ती है तो ये सब लोग चिल्ला पड़ते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मेलिंडा को जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई थी और चिल्लाने लगी थी। वो यहाँ पर सबको विक का नाम दे रही थी क्योंकि विक ने उसे मारा है, पर लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अब यहाँ पर पुलिस यहाँ पर उस लड़के की जो बॉडी थी डेड बॉडी उसको पुल से बाहर निकालती है और यहाँ पर सब लोग सब चीज़ नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि पुलिस को भी लग रहा था ये एक एक्सीडेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिंडा का जो माइंड था वो इतना डिस्टर्ब हो गया था उसके फ्रेंड की डेथ से कि वो कुछ को किसी को भी कुछ भी नहीं बता रही थी। वाइफ मेलिंडा से मिलता है जो कि अपने स्टेप डैड के साथ बैठी हुई थी जो कि डिटेक्टिव थे। अब यहाँ पर जो विक है उसे पता पड़ता है कि जो मेलिंडा है उसने अपने स्टेप डैड जो कि डिटेक्टिव थे उनको विक के पीछे लगा दिया है ताकि उन्हें ये सब चीज़ पता पड़ सके कि इनके दोस्तों को कौन मार रहा है। अब हम मेलिंडा को देखते हैं जिसने एक और नया आदमी पटा लिया था जिसके साथ वो डेली गपा गपा करने लगी थी। यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि ये लड़की इतने तो कपड़े नहीं बदलती थी जिसने ये बॉयफ्रेंड बदलती थी। जो विक था ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। अब ये सीन तो हुआ दोस्तों ख़त्म। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक को जो कि साइकिलिंग कर रहा था जहाँ उसे पता पड़ता है कि उसका पीछा कोई आदमी कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विक एक होटल में आता है यानी कि वो एक रेस्टोरेंट टाइप होटल होता है वहाँ पर वो अपनी। अब यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है जॉन को जो कि उसकी वाइफ का यानी कि विक की वाइफ का नया बॉयफ्रेंड था। अब वो उसी घर में आती है और ये दोनों मिलके गपागप करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विक जो है वो तो निकल जाता है अपनी कार लेकर, तो रास्ते में उसे जॉन मिल जाता है तो वो जॉन के साथ कार में बैठ जाता है। यहाँ पर जो विक होता है वो जॉन को एक ख़राब रास्ते से लेकर आता है जो कि जॉन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, पर विक दोस्तों उसके ऊपर यानी कि सिर पे हमला करके वो जॉन को मार देता है। वो जॉन की लाश को दोस्तों वहीं पर एक पास में नदी होती है वहाँ पर ठिकाने लगा देता है। विक यहाँ पर जॉन की बॉडी के ऊपर पत्थर रख देता है जिससे कि उसकी जो बॉडी है वो पानी से ऊपर ना आए। अब जॉन की लाश को ठिकाने लगाने के बाद जो विक है वो वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेलिंडा थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो अपनी डॉटर के साथ खेल रही थी ताकि वो अपने मूड को फ्रेश कर सके। अब हम देखते हैं कि जो विक है वो यहाँ पर मेलिंडा अपनी डॉटर से कहता है हमें एक पिकनिक पर चलना चाहिए जिससे कि जो हमारा मूड है वो फ्रेश हो जाएगा, हम तीनों फ्रेश फील करेंगे। अब ये लोग दोस्तों एक पार्क में आता है जहाँ पर जो विक है वो मेलिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेलिंडा भी विक से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ जो कि सरासर झूठ लग रहा था। पर आगे देखते हैं कि इस मूवी में क्या होने वाला है तो बने रहना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो विक है वो यहाँ पर उसी नदी के किनारे आता है जहाँ पर उसने उस लाश को ठिकाने लगाया था, पर हम देखते हैं कि उस लाश का जो हाथ था वो ऊपर आ रहा था तो विक यहाँ पर अपनी वाइफ से घर चलने के लिए कहता है और वो यहाँ पर उसका एक स्कार्फ छोड़ देता है ताकि वो वापस आ सके उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जो विक है वो अपनी फैमिली को घर पर ले आया है और हम देखते हैं कि वो वापस उस स्कार्फ को लेने के बहाने उस डेड बॉडी के पास जा रहा था, पर उसे घर से अपड़ा तपड़ी में निकलता हुआ उसकी वाइफ देख लेती है और वो अपने स्टेप डैड को कॉल लगाती है जो कि डिटेक्टिव थे और उनसे कहती है कि उसका पीछा करो। पर उस और उससे यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है कि उसे विक के रूम में अपने बॉयफ्रेंड जॉन का आईडी कार्ड मिलता है तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉन को जो कि उस लाश को ठिकाने लगा रहा था, पर तभी यहाँ पर उसको उसका अंकल देख लेता है जो कि डिटेक्टिव था और वो उसे इंटरोगेट करने की कोशिश करता है और बताता है कि मैं पुलिस को सब चीज़ें बता दूंगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जैसे उस अंकल को उसकी डेड बॉडी दिखती है जॉन की तो उसको उल्टियाँ होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जॉन की कार को लेके भाग जाता है। पर विक उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था तो वो भी अपनी साइकिल को कच्चे रास्ते से निकाल कर उसकी कार के ऊपर ले आता है जिससे कि उसकी कार जो है यानी कि अंकल की कार होती है जो डिटेक्टिव थे वो खाई में गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विक अपनी साइकिल को लेके घर पर आता है जहाँ पर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो मेलिंडा थी वो वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और विक का इंतजार कर रही थी और हमें यहाँ पता पड़ता है कि मेलिंडा ने अपने फ्रेंड जॉन का जो आईडी कार्ड था वो भी जला दिया था। और अब हमें मूवी वहीं से दिखाई जाती है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से कुछ मूवी का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।